भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को पहली बार सीतापुर पहुंचे। पौराणिक नगरी नैमिषारण्य पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इस बीच श्री प्रसाद का अटरिया और सिधौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नैमिषारण्य में दर्शन करने के बाद आई इंडिया से खास बातचीत में कहा कि नैमिषारण्य उनकी आस्था का केंद्र है, यहाँ का विकास कराना उनके लिए सौभाग्य होगा। ये इसका मामला नहीं है, ये श्रद्धा का आस्था का मामला है। ये स्थान इतना पवित्र है, प्राणों में इसका पूरा वर्णन किया गया है। मैं सौभाग्य समझूंगा अगर मैं किसी लायक नहीं कर सकूँ नैमिषारण्य जो स्थान है उसके स्थान के लिए, यहाँ के विकास के लिए। धन्यवाद। लखनऊ से चलकर जितिन प्रसाद का काफिला जैसे ही सीतापुर की सीमा में इटौंजा टोल प्लाजा पर पहुंचा कि भाजपाइयों ने उनके स्वागत की शुरुआत कर दी। लखनऊ से काफिले में साथ चल रहे पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, मनीष मिश्रा, अशोक सिंह, मनीष सिंह, राणा सिंह, योगेंद्र सिंह, राजेंद्र पाल सिंह ने भी जगह जगह स्वागत किया। अटरिया कस्बे के कमल तिराहे पर सिधौली से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राम बख्श रावत, पुष्कर गुप्ता, महेंद्र सिंह चौहान, प्रेमदीप जायसवाल, अनूप श्रीवास्तव, कमलाकांत गुप्ता, गौरव मिश्रा, प्रतीक सिंह, अमरेंद्र राजपूत, रोहित भारती, मनीष पांडे, शौर्य बख्श सिंह, मन्नू सिंह, मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश मिश्रा, इजहार खान, निक्की सिंह आदि ने स्वागत किया। नैमिषारण्य पहुंचे जितिन प्रसाद को चक्रतीर्थ के पुरोहितों द्वारा पूजन कराया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचने पर महंत बजरंग दास ने अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। महंत पवन दास ने हनुमानगढ़ी में पूजन कराया। यहां से जितिन प्रसाद मां ललिता देवी मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी गोपाल शास्त्र और लाल बिहारी शास्त्री द्वारा पूजन कराया गया। उस दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, हरगांव विधायक सुरेश राही, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, बबलू अवस्थी, टीपी सिंह, आदित्य सिंह भी मौजूद रहे, जिसके बाद एक गेस्ट हाउस में बैठक की, जहां पर पूर्व विधायक रामपाल यादव भी मौजूद रहे। ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा भाजपा सरकार पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। आपको याद है कि मुझे जन्म पहले ही सदस्यता ग्रहण करने का सुअवसर मिला है और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारत की एकमात्र राष्ट्रपति जो पूरे भारत की आस्था है भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई सम्मान है। मैं अपने आप बहुत गौरव करना चाहता हूँ। क्या अंतर पा रहे हैं आप दोनों ना, ये पार्टी जो है संविधान दिशा कार्यकर्ताओं का सम्मान संगठन का भाग और सशक्त नेतृत्व सबका मिश्रण है जो भारत के आने वाले भविष्य की जो नौजवान पीढ़ियाँ हैं उनका सुनहरा सपना और उनको आगे ले जाने का देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो चाहे आंतरिक समस्याओं की बात हो जो चुनौतियाँ हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही वो चुनौती है जो भारत को अच्छा सकते हैं। जो संगठन है वो चल रहा है, मैं उसका संरक्षक था और वो संगठन मुझे आमंत्रित करता था और मेरा प्रयास था जो संगठन है गैर राजनीतिक हाँ ये नहीं तय होता था कि वोट कहाँ जाएंगे वो वहाँ वो ये नहीं तय होता था जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में जाएंगे। वहाँ समस्याओं को समाज को एक करने की बात, समाज के हितों की रक्षा की बात, नौजवानों के भविष्य की बात और अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात ही नहीं उठा पाऊँगा, अब कार्य करके दिखाऊँगा, अब कुछ थोड़ा परिवार सबके लिए समर्थन लेके कुछ परिवर्तन आ। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।